नाम प्रतिमा शाही है। प्रतिमा जी, जो आज नुक्कड़ नाटक है, क्या संदेश है? नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए माँ का दूध जो है सर्वोत्तम आहार है और माँ के दूध का कोई विकल्प नहीं है। बस इस नाटक के माध्यम से हम यही संदेश देना चाह रहे हैं। बाकी जो आपकी फाउंडेशन है वो किस किस तरीके कार्य करती है, कैसे लोगों को मोटिवेट करती है? हमारी फाउंडेशन कोहेशन फाउंडेशन ट्रस्ट जो है SCL फाउंडेशन के सहयोग से जो हमारा प्रोजेक्ट एरिया है उसमें हम आंगनबाड़ी सेंटर्स जो हैं हमारे उनके स्ट्रक्चर में हम सुधार कर रहे हैं, उनका रिनोवेशन कर रहे हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं जिसमें उनके बौद्धिक विकास शामिल हैं, मानसिक विकास शामिल हैं, शारीरिक विकास शामिल हैं, इन सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। बच्चों को हम आंगनबाड़ी सेंटर्स पे जो बहुत सारी गतिविधियाँ हैं उनके स्वास्थ्य एवं विकास से लेकर के वो सारी गतिविधियाँ हम कर रहे हैं और इवन कि हम आंगनबाड़ी जो हमारी कार्यकर्ती हैं उनका हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं और डिफरेंट जो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स रिव्यू मीटिंग्स के द्वारा हम अपने प्रोग्राम को और सुदृढ़ बना रहे हैं। जैसे आज का समय चल रहा है, महिलाएं भी नौकरी कर रही हैं, इतना समय नहीं होता कि बच्चों को स्तनपान कराया जाए, उसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं ऐसी महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करें कि वो 6 महीने तक स्तनपान कराएं। गवर्नमेंट के इस तरह के रूल रेगुलेशंस हैं कि 6 महीने तक वो प्रमोट कर रहे हैं कि केवल स्तनपान कराया जाए और अगर ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं हो पाता है तो माँ अपने बच्चे के लिए दूध निकाल करके जाएं, उनके घर में जो अदर केयर टेकर्स हैं जो देखभाल करने वाले हैं वो उन बच्चों को दूध पिला करके 6 महीने तक केवल स्तनपान पे ही बच्चों को निर्धारित रखें।